अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल कराची बिल्कुल में पहले तो वेलकम है आपका, लाहौर से आए हैं। बिल्कुल जी, मैं सुहेल अहमद रज़ा, डायरेक्टर इंटरफेथ रिलेशंस मिलहाजुलफ़ा इंटरनेशनल। आज कराची में श्री रत्नेश्वर महादेव टेंपल को विज़िट किया, और यकीनन जिस खूबसूरत लोकेशन पर ये मौजूद है, इसके अकब में समंदर है, समंदर की लहरें जो हैं वो खूबसूरत आ रही हैं, एक बड़ा एक पुरकैफ मंजर है। और जब मंजर को विज़िट किया है तो वो एक इंतहाई खूबसूरत एक मंजर है कि ग़ार के अंदर ये सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल पुराना ये एक तारीखी एक मंदिर है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्लेस को जिस अंदाज में यहाँ की मैनेजमेंट ने इसको मैनेज किया है, रेनोवेट किया है, डेकोरेट किया है, तो ये एक बहुत बड़ी काविश है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को भी इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि ये एक रिलीजियस टूरिज़म की एक ऐसी जगह बने कि जहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से जो हिंदू सनातन धर्म से जो ताल्लुक़ रखने वाले या वैसे जो टूरिस्ट हैं वो इसको विज़िट करें। तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है पूरी दुनिया में उसको मुतारफ़ कराने में बहुत मदद मिलेगी, और ख़ास तौर पर अहले कराची जिन्होंने यहाँ पर इसको मैनेज किया है उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सर।